हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा महासागर। गाइस, मैं आज आपको आणविक कक्षक सिद्धांत या इसे इंग्लिश में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। तो देखिए, इसकी परिभाषा जो है वह इस प्रकार से है कि जब दो परमाणुवीय कक्षक आपस में मिलकर नया आणविक कक्षक बनाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, आणविक कक्षक सिद्धांत कहते हैं। अब एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं। देखिए, यहाँ पर यह एक नाइट्रोजन का परमाणु है और यह दूसरा नाइट्रोजन का परमाणु है। तो यह जब दोनों परमाणु आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, आणविक कक्षक बनाते हैं। फिर देखिए फ्रेंड्स, मतलब जब दो परमाणुवीय कक्षक आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, आणविक कक्षक बनाते हैं। तो यहाँ पर जब ये जो एक एन और दूसरा एन मिला तो क्या बना, यहाँ पर नाइट्रोजन गैस बनी। अब आते हैं इस सिद्धांत के ऊपर। तो देखिए, इस सिद्धांत को 1979 में दो वैज्ञानिकों ने प्रतिपादित किया। एक का नाम था हुंड और दूसरे का था मुलिकन। और उन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने के बाद कुछ विशेषता बताई। तो पहली जो विशेषता है वह है एटॉमिक ऑर्बिटल के अतिव्यापन से आणविक कक्षक बनते हैं। मतलब जो परमाणुवीय कक्षक होते हैं, जब परमाणुवीय कक्षक आपस में जुड़ते हैं, अतिव्यापन का अर्थ होता है जुड़ना। यह जो अतिव्यापन शब्द है इसका अर्थ है जुड़ना। तो जब परमाणुवीय कक्षक आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, आणविक कक्षक बनाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में बताया गया है, ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है एक, और यह दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो यह जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़े तो बना हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब हम इसकी दूसरी विशेषता पर आते हैं। तो दूसरी विशेषता है गाइस, जब दो परमाणु पास पास आते हैं तो उनके ऑर्बिटल आपस में सहयोग करके नए कक्षक बनाते हैं जिन्हें आणविक कक्षक कहते हैं। देखिए, जब दो परमाणु पास में आते हैं तो उनके जो कक्षाएं होती है वह क्या करती है, मिलान या सहयोग करके नए कक्षक बनाती है जिन्हें क्या कहा जाता है, आणविक कक्षक कहा जाता है। अब इसकी तीसरी विशेषता देखते हैं हम। देखिए, इसकी जो तीसरी विशेषता है वह है, जिस प्रकार परमाणु में इलेक्ट्रॉन कक्षकों में उपस्थित रहते हैं उसी प्रकार अणु में इलेक्ट्रॉन आणविक कक्षकों में उपस्थित रहते हैं। देखिए, जो परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन परमाणु कक्षकों में उपस्थित रहते हैं तो उसी प्रकार अणुओं में भी किसमें उपस्थित रहेंगे, इलेक्ट्रॉन आणविक कक्षकों में उपस्थित रहेंगे। यह आपको ध्यान रखना है कि परमाणुओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह परमाणु कक्षकों में होते हैं और अणुओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह आणविक कक्षकों में उपस्थित होते हैं। और इसकी जो चौथी विशेषता है वह है, आणविक कक्षक समान ऊर्जा वाले परमाणुओं के संयोग से ही बनते हैं। जो आणविक कक्षक होते हैं वह जिन परमाणुओं की समान ऊर्जा होगी उन्हीं से क्या, उनके ही मिलान से क्या बनते हैं, आणविक कक्षक बनते हैं। मतलब देखिए, यदि कोई भी आणविक कक्षक बनता है तो वह समान ऊर्जा वाले परमाणु कक्षकों से ही मिलकर बनेगा, असमान ऊर्जा वाले कक्षकों से मिलकर नहीं बनेगा। तो किसी भी आणविक कक्षक को बनने के लिए समान ऊर्जा वाले परमाणु का होना आवश्यक होता है। जब समान ऊर्जा वाले परमाणु कक्षक संयोग करते हैं तभी क्या बनता है, आणविक कक्षक बनता है। अब आते हैं इसकी पांचवी विशेषता पर। तो देखिए, पांचवी विशेषता में है, परमाणुवीय कक्षकों को तरंग फलन द्वारा व्यक्त करते हैं। देखिए, ये जो साइन है यह है तरंग फलन का। तो जो परमाणुवीय कक्षक होते हैं उन्हें प्रदर्शित किया जाता है तरंग फलन द्वारा। जब तरंग फलनों का योगात्मक अतिव्यापन होता है तो बंधी आणविक कक्षक बनते हैं। जब तरंग फलन जो होते हैं
उनका योगात्मक अतिव्यापन होगा, मतलब वह जुड़ेंगे तो बंदी आण्विक कक्षक बनेंगे। तब क्या होगा, जब देखिए ये ध्यान में रखना, जब योगात्मक अतिव्यापन होगा तो बंदी आण्विक कक्षक बनेंगे और तब ऊर्जा क्या होगी, बाहर निकलेगी, मतलब ऊर्जा का उत्सर्जन होगा और बंदी आण्विक कक्षक की ऊर्जा कम होती है। यह ध्यान, यदि ऊर्जा का उत्सर्जन होगा तो ऊर्जा कम ही होगी। तो इस प्रकार से है कि परमाणु कक्षकों को तरंग फलन द्वारा व्यक्त करते हैं। जब फलनों का योगात्मक अतिव्यापन होता है तो बंदी आण्विक कक्षक बनते हैं, तब ऊर्जा का उत्सर्जन होता है तो बंदी आण्विक कक्षकों की ऊर्जा कम होती है। अब छठवीं विशेषता पर आते हैं। तो छठवीं विशेषता है, जब तरंग फलनों, ये जो तरंग फलन का निशान, ये काय का चिन्ह है तरंग फलन का, जब तरंग फलनों का अंतर्वर्ती, देखिए जब अंतर्वर्ती मतलब इसमें माइनस आएगा और इसमें प्लस आएगा, योगात्मक मतलब जुड़ना और अंतर्वर्ती यानी माइनस, तो जब तरंग फलनों का अंतर्वर्ती अतिव्यापन होता है तो प्रतिबंधी आण्विक कक्षक बनते हैं। जब इसमें माइनस चिन्ह मतलब अंतर्वर्ती अतिव्यापन होगा तो जो प्रतिबंधी आण्विक कक्षक होंगे वह क्या होंगे, बनेंगे, और इनके बनते समय ऊर्जा का अवशोषण होगा, क्या होगा, और जब योगात्मक अतिव्यापन होगा और जो बंदी आण्विक कक्षक बनेंगे तब क्या होगा, ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। लेकिन जब प्रतिबंधी आण्विक कक्षक बनते हैं तब इनके बनते समय ऊर्जा का अवशोषण होता है, इसलिए प्रतिबंधी ABMO मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन्हें कहते हैं, इनकी ऊर्जा अधिक होती है। अब इसमें विपरीत है, जो योगात्मक होते हैं उनकी ऊर्जा कम होती है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव आते हैं, है ना, तो पॉजिटिव पॉजिटिव आने के कारण क्या होता है, योगात्मक अतिव्यापन होता है, तो इनकी ऊर्जा कम होती है और यह ऊर्जा का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, कौन, बंदी आण्विक कक्षक। और जो अंतर्वर्ती अतिव्यापन होता है उसमें जो प्रतिबंधी आण्विक कक्षक होते हैं वह उस समय क्या होता है, ऊर्जा का अवशोषण होता है और इसलिए इनकी जो ऊर्जा होती है अधिक होती है। तरंग फलन ए प्लस तरंग फलन बी योगात्मक अतिव्यापन, ये ऊपर आएगा योगात्मक अतिव्यापन, तो योगात्मक अतिव्यापन में क्या होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ये तरंग फलन ए बी। और देखिए इसमें सिर्फ ए बी आता है, और जब अंतर्वर्ती व्यापन अतिव्यापन होगा उसमें ऊर्जा का अवशोषण होगा और उसमें ऊर्जा, ये जो ए बी आएगा उस पर स्टार लगेगा। ये ध्यान रखना कि योगात्मक अतिव्यापन में सिर्फ तरंग फलन ए बी आता है और अंतर्वर्ती अतिव्यापन में तरंग फलन ए बी स्टार आता है। देखिए किसी भी अणु का आण्विक कक्षक ऑर्डर या बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्डर निकालने के लिए बॉन्ड ऑर्बिट इज इक्वल टू 1/2 NB-NA, यह क्या है, सूत्र है, ये फार्मूला है। बॉन्ड किसी भी आण्विक कक्ष, यदि कोई भी अणु का हमें बॉन्ड मॉडल मॉलिक्यूल निकालना, सॉरी बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्डर निकालना है तो उसके लिए यह सूत्र लगता है, बॉन्ड ऑर्बिट बराबर 1/2 NB-NA। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो NB है वह है बॉन्डिंग ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स, और NA जो है वह है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स। यदि आपको किसी भी अणु के बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्डर निकालने को कहा तो आप यह फार्मूला यूज करके किसी भी अणु का बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्डर निकाल सकते हो।